प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनसंपर्क संचालनालय के गोदाम में आग लगना सुनियोजित ढंग से एक सोची समझी साजिश है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने दो दिन पूर्व सोमवार को जनसंपर्क और माध्यम से 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियों, 75 करोड़ रुपयों के विज्ञापन घोटाले, फर्जी फिल्म घोटाला, पेपर खरीदी घोटाला, विदेश यात्रा घोटाला, वीडियो रथ रिकॉर्ड घोटाला और फर्जी एनजीओ को लाखों करोड़ रुपयों के विज्ञापन घोटालों का आरोप लगाते हुए उसे प्रमुखता से उजागर किया था। ठीक उसके दो दिन बाद जनसंपर्क के गोदाम में लगाई गई आग एक गंभीर घटना है। कांग्रेस को आशंका है कि इस आग में भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों का रिकॉर्ड जानबूझकर जला दिया गया है ताकि रिकॉर्ड नष्ट किया जा सके। मिश्रा ने इस घटना को सामान्य घटना के रूप में न लेते हुए घटना में शामिल दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने और ये घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कि सोमवार को मैंने आप सबके बीच में कृपा पूर्वक जनसंपर्क विभाग और माध्यम के घोटाले को उजागर किया था और वह घोटाला घपला और भ्रष्टाचार करीब 100 से 200 करोड़ से अधिक का है। कल हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे के तत्काल बाद, दो दिन बाद, कल जनसंपर्क विभाग में उसके गोदाम में जानबूझकर आग लगाकर रिकॉर्डों को नष्ट किया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसके दोषी व्यक्तियों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि इस मंत्रालय के और माध्यम के संरक्षणदाता मुखिया हैं, वे उसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करें। एमएसटीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ संदीपिका शर्मा की रिपोर्ट।